हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन। और ये प्रैक्टिस सेशन आपकी डॉक्टर रंजीत सर की है, ठीक है, जो न्यू एडिशन वाली आई है ना। बहुत सारे आप लोग की डिमांड पे ही मैंने ये प्रैक्टिस सेशन लेके आया है। जो 50 प्रैक्टिस सेट था इनका, एक तो एक वो ओल्ड वाली थी, तो ओल्ड वाली तो हमने सब कर लिया है, उसमें कुछ ही रह गए होंगे। बाकी इनकी जो न्यू एडिशन वाली आई है अभी 50 प्रैक्टिस डॉक्टर रंजीत सर की, तो उन्हीं की ये बुक से ये है आपका प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि बहुत इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम उस बुक से कराइए, और वो बुक से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैंने उस बुक को मंगाया, सिर्फ आप लोग की वजह से ही उस बुक को मुझे मंगाना पड़ा और फिर करा रही हूँ आज जाके, ठीक है। तो आप लोग के डिमांड पे ही ये वीडियो बन रही है और इस बुक से प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, हुम डज मिल्टन पे हिज ट्रिब्यूट व्हेन ही राइट्स द फॉलोइंग लाइंस इन पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिल्टन ने ये जो लाइनें हैं, नीचे जो लाइनें दी गई हैं, ये लाइनें मिल्टन ने किसे ट्रिब्यूट किया है पैराडाइज लॉस्ट में। तो निम्नलिखित लाइनें जो हैं लिखते समय मिल्टन ने किसे श्रद्धांजलि देते हैं जब वो लाइनें लिखते हैं, तो ठीक है। तो मिल्टन पे हिज ट्रिब्यूट, मिल्टन अपनी श्रद्धांजलि किसे देते हैं जब वो पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइनें लिखते हैं। हुज ओरब दो सॉरी थ्रू ऑप्टिक ग्लास द टस्कन आर्टिस्ट व्यूज एट इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ फेसुले और इन वॉल्ड्रानो टू डिस्क्राइब न्यू लैंड्स रिवर्स आर माउंटेन्स इन हर स्पॉटी ग्लोब। तो ये लाइनें इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है, एक मिनट इसको छोटा करती हूँ, ये लाइनें पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने लिखा है, तो किसे इन्होंने ट्रिब्यूट किया है बताना है, ठीक है। कि टस्कन के जो कलाकार हैं ऑप्टिक ग्लास के माध्यम से फेसुले के शीर्ष पर या फिर वॉल्ड्रानो में शाम को, तो ये चीज़ें लाइनें हैं, ये किसे वो रेफर करते हैं, मतलब किसे श्रद्धांजलि देते हैं। ऑप्शन में आपके हैं गैलीलियो गैली, निकोलस कोपरनिकस, आइजक न्यूटन, जोहान्स कैपलर। तो ऑप्शन मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोग आंसर नहीं दे पाते हो, तो इस वजह से ऑप्शन मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। ओके चलिए फिर बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो लाइनें हैं ये किसे देते हैं, ये गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। जब ये लाइनें ये पढ़ाई लॉस्ट में लिखते हैं तो किसे ट्रिब्यूट करते हैं, गैलीलियो गैलीली को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिल्टन रोट मेंसस, तो ये याद रखिएगा मिल्टन ने मेंसस नाम के एक वर्क को लिखा है। बिफोर ही लेफ्ट नेपल्स अ लैटिन ट्रिब्यूट इन वर्ड्स टू द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिल्टन ने नेपल्स छोड़ने से पहले मेंसस लिखा था, मेंसस इनका वर्क है मिल्टन का, मेंसस लिखा है जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए कविता में एक लैटिन श्रद्धांजलि थी, और किसके लिए लिखा था, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन, सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए उन्होंने लिखा था, और कविता में ये एक ट्रिब्यूट था उनका भी, तो किस व्यक्ति के लिए लिखा गया था ये बताना है। आपके ऑप्शन में है लुकास होल स्टेनियस, दूसरा आपका है जियोवानी बैप्टिस्टा मानसो, तीसरा है एलेसेंड्रो चेरुबेनी, और चौथा है जियोवानी साल्जली, ठीक है बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंसस नाम का जो इन्होंने एक वर्क लिखा था, नेपल्स छोड़ने पहले इन्होंने मेंसस लिखा था, और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए इन्होंने इस कविता में एक लैटिन श्रद्धांजलि दी थी, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन था। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जियोवानी बैप्टिस्टा मैंसो, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो मेंसस से मैंसो याद रखिएगा, या मैंसो से मेंसस याद रख सकते हैं, ठीक है, की वर्ड है याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है इनकी बुक का। इन विच वर्क मिल्टन रोट, मिल्टन किस वर्क में लिखते हैं ये लाइनें, एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू पास ओवर ऑल्सो इन टू सिसली एंड ग्रीस आई वॉज रिस्ट्रेन बाई द मेलनकली टाइडिंग्स फ्रॉम इंग्लैंड ऑफ द सिविल वॉर फॉर आई थॉट इट बेस That I should be traveling at my ease even for the improvement of my mind abroad while my fellow citizens were fighting to their liberty at home.
तो यहाँ पे मिल्टन अपने किस वर्क में ये लाइनें लिखते हैं, थोड़ा सा इनका ये लाइनें जान लेते हैं तभी हमको समझ में आ जाएगा। एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू पास ओवर ऑल्सो इन टू सिसली एंड ग्रीस, मतलब मिल्टन ने अपने किस वर्क में ये लिखा है कि जब मैं सिसली और ग्रीस जाने की तैयारी कर रहा था, आई वॉज रिस्ट्रेंड बाई द मेलनकली टाइडिंग्स फ्रॉम द इंग्लैंड ऑफ द सिविल वॉर। तो इंग्लैंड से आए गृह युद्ध के दुखद समाचारों ने मुझे रोक लिया, मतलब जब मैं सिसली और ग्रीस जाने की तैयारी कर रहा था तो इंग्लैंड से आए गृह युद्ध के दुखद समाचारों ने मुझे रोक लिया। फॉर आई थॉट इट बेस दैट आई शुड बी ट्रेवलिंग एट माई एजी, मैं क्योंकि मैंने सोचा कि ये बेकार की बात है, इट बेस ये बेकार की बात है कि मैं अपने मामले में, यहाँ तक कि इवन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ माई माइंड एब्रॉड वाइल माई फेलो सिटीजन्स वर फाइटिंग फॉर दियर लिबर्टी एट होम, तो मैंने क्योंकि मैंने सोचा कि ये बेकार की बात है तो मैंने अपने मामले में, यहाँ तक कि विदेश में अपने मन के सुधार के लिए यात्रा कर रहा हूँ, जबकि मेरे साथी जो हैं वो नागरिक घर पर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो किस वर्क में इन्होंने ये बात कही है ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन में है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, ऑप्शन में है एरियोपेजिटिका, डिफेंसियो सेकुंडा, फिर आपका है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियाना। अब इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे भी यहाँ पे अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अपने किस वर्क में ये कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, डिफेंसियो सेकुंडा में ये बात कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसियन सोनेट्स, स्पेंसियन सोनेट का राइमिंग पैटर्न क्या होगा, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी। ये तो आपका किसका है, इटालियन सोनेट का है, सॉरी इटालियन सोनेट का नहीं है, ये शेक्सपियरियन सोनेट का है, ठीक है। ए बी ए बी, फिर सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी, लास्ट में दो लाइन का एक कॉपलेट रहता है, ये तो शेक्सपियरियन सोनेट का है, ठीक है। बाकी ए बी बी सी डी से, ये आपका इटालियन सोनेट का है, यानी कि पेट्रार्कन सोनेट की बात होती है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी उसी का है, लाइन उसी की नहीं, ये भी है सी डी सी डी सी डी, सी डी ई सी डी, दोनों ही यहाँ पे सही है। यहाँ पे स्पेंसरियन सोनेट का पूछा गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इन सबको मिटाते हैं, राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ए बी ए बी, फिर इसी चीज़ को, लास्ट वाली चीज़ को फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, फिर लास्ट वाली चीज़ को इस फिर से स्टार्ट कर दिया है, ऐसा स्पेंसरियन स्टेंजा में, स्पेंसरियन सोनेट में हुआ है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, कि आपने कितना स्कोर इस बुक के, जो इनकी बुक है, या फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है ये, और इसमें 50 प्रैक्टिस है, ये हम 50 भी करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग की डिमांड पे ही ये किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्कोर ज़रूर शेयर करिए, कितना आपने स्कोर किया है। इन विच वर्क मिल्टन डिफेंड्स द इंडिविजुअल अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और रिलीजियस अथॉरिटी, तो मिल्टन ने अपने किस वर्क में सरकार या धार्मिक प्राधिकरण के नियंत्रण के विरुद्ध व्यक्ति का बचाव किया है, ठीक है। ही ऑल्सो अटैक द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉम्प, ठीक है, वह उपाधियों और अन्य प्रकार के आडंबर की अवधारणा पर भी हमला करते हैं। बिसाइड्स डिस्कसिंग हिज व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, यानी कि इसके अलावा राजनीति पर वो अपने विचारों पर चर्चा करते हुए, मिल्टन ड्वेल्स ऑन पार्ट्स ऑफ हिज बायोग्राफी इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज अर्ली ईयर्स विद एडुकेशन एंड लिटरेचर। तो क्या कहा जा रहा है कि इसके अलावा राजनीति पर अपने विचारों पर चर्चा करते हुए मिल्टन अपनी जीवनी के कुछ हिस्सों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, मिल्टन अपने बायोग्राफी के, अपनी जीवनी के कुछ हिस्सों पर विचार से चर्चा करते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें शिक्षा, जिसमें एजुकेशन और लिटरेचर, जिसमें शिक्षा और साहित्य के साथ अपनी शुरुआती वर्षों का विवरण भी शामिल है। तो कहने का मतलब है कि मिल्टन अपने किस वर्क में ये बात कहते हैं, ठीक है, बताना है, काफ़ी लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, मुझे समझाना भी पड़ेगा, उसकी हिंदी भी बतानी पड़ेगी, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। वही है आपका ऑप्शन में है, तो बताना है यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यस, राइट आंसर यहाँ पे बी, अगेन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यस, बी है डिफेंसियो सेकुंडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इन विच प्ले ऑफ गॉल्स वर्दी रॉबर्ट बेटन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्ले में, ठीक है, रॉबर्ट बेटन द इम्पेरियलिस्ट एंड आइडलिस्ट इंटेंट्स टू इम्प्लीमेंट हिज कूली लेबर स्कीम टू प्रोवाइड एन आउटलेट टू द कंजेस्टेड
पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गॉल्सवर्दी के किस प्ले में साम्राज्यवादी और आदर्शवादी, तो इम्पीरियलिस्ट है और आइडियलिस्ट है। इम्पीरियलिस्ट मतलब साम्राज्यवादी, आइडियलिस्ट आदर्शवादी। साम्राज्यवादी और आदर्शवादी रॉबर्ट बेटन इंग्लैंड की भीड़ भाड़ वाली आबादी को एक रास्ता प्रदान करने के लिए अपनी कुली श्रम योजना को लागू करने का इरादा रखते हैं। तो किस प्ले की ये लाइनें हैं, किस प्ले में रॉबर्ट बेटन है, ये बताना। अगर आपने पढ़ा होगा तो ईजिली आप बता सकेंगे यहाँ पर किस प्ले की बात हो रही है, जिसमें जो रॉबर्ट बेटन नाम का जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, इंग्लैंड की भीड़ भाड़ वाली आबादी को एक रास्ता प्रदान करने के लिए अपनी कुली श्रम योजना को लागू करने का इरादा करता है। तो किस प्ले में फॉरेस्ट फैमिली मैन, लॉयल्टीज़ या फिर विंडोज़। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फॉरेस्ट। मुझे लग रहा है मैं आप लोग को एनफ टाइम दे रही हूँ आंसर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द प्ले ओपन्स एट अ पॉइंट ऑफ सिल्वेनस हेथॉर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्ले की जो शुरुआत होती है वो सिल्वेनस हेथॉर्प्स करियर व्हेन ही इज ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट फॉर द गोल्ड माइन ही बॉट 13 ईयर्स एगो इन इक्वाडोर हैज टर्न्ड एम्प्टी। ही इज नॉट एबल टू पे ऑफ द अमाउंट ऑफ 14,000 पाउंड्स टू हिज क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्ले की जो शुरुआत होती है वो सिल्वेनस, एक मिनट, यहाँ कहा जा रहा है कि प्ले की जो शुरुआत होती है वो सिल्वेनस मिस्ड हेथॉर्प, ठीक है ये याद रखना है, सिल्वेनस हेथॉर्प के करियर के उस मोड़ से शुरू होती है, करियर के उस मोड़ से शुरू होती है जब वो लगभग क्या हो चुका था, बैंक करप्ट हो चुका था। ये कैरेक्टर का नाम है, याद रखना है, सिल्वेनस मिस्ड हेथॉर्प। ठीक है, इसके करियर के उस मोड़ से शुरू होती है कहानी जब वो लगभग पूरी तरह से दिवालिया हो चुका होता है, क्योंकि इक्वाडोर में 13 साल पहले उसने जो सोने की खदान खरीदी थी वो क्या हो गई है, खाली हो गई है, एम्प्टी हो गई है। वह अपने लेनदारों को 14,000 पाउंड की राशि चुकाने में सक्षम नहीं है। तो ये बताना है ये किस प्ले, कौन सा प्ले है जो ओपन होता है, मतलब किस प्ले की ये स्टोरी है, पॉइंट है, ओपन होता है। एल्डेस्ट सन, लिटिल ड्रीम, जस्टिस या फिर ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश, ये गॉल्सवर्दी की ही बात हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं गॉल्सवर्दी का सारा प्ले है यहाँ पे। तो किस प्ले की ये स्टोरी है, किस प्ले की स्टोरी से ये शुरू होता है, तो यहाँ पे हम जाएंगे डी पे, ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट वॉज रिटन बाई वर्ड्सवर्थ ऑन हिज वे टू फ्रांस ऑन जुलाई 31, 1812। द सोनेट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ ग्लोरिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोनेट है जो 1812 के लिए 31 जुलाई को फ्रांस जाते समय वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था। ये सोनेट पृथ्वी की महिमा का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो कौन सा वो सोनेट है, बताना है। लाइन कंपोज अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज टू मिल्टन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस या ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, लाइन्स कंपोज अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज की बात हो रही है। नेक्स्ट वन, वर्ड्स वॉज सोनेट डेडिकेटेड टू लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम टू ग्रुप्स, द फर्स्ट ऑफ 26 सोनेट्स दैट वर रिटन मोस्टली बिटवीन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ के जो सोनेट हैं डेडिकेटेड टू लिबर्टी और इंडिपेंडेंस, इसमें दो ग्रुप आता है, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, दो समूह में इसको निर्माण किया गया है। फर्स्ट इसका जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में 26 सोनेट है, जो कब से कब लिखी गई थी ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट जो इनका 26 सोनेट का जो फर्स्ट इनका जो 26 सोनेट है वो मोस्टली किसके बीच लिखा गया था बताना है। 1802 से 07, 07 05 से 10, 10 से 15, 15 से 20। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। 1802 से 1807 के बीच में वर्ड्सवर्थ का जो 26 सोनेट था, शुरुआत का 26 सोनेट था, वो लिखा गया था। आगे भी क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। वर्ड्सवर्थ का सोनेट डेडिकेटेड टू लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम टू ग्रुप्स, फर्स्ट ऑफ 26 सोनेट दैट वर रिटन मोस्टली बिटवीन 1802 एंड 1807 एंड द सेकंड ऑफ 42 सोनेट दैट वर रिटन ओवर द ईयर्स। अब बताना है कि जो सेकंड इनका सोनेट था, यानी कि 42 सोनेट जो थे, वो कब से कब किसके बीच लिखा गया था।
तो पहला वाला देख सकते हैं 1802 से 1807 है, तो दूसरा वाला 1807 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा 1807 से 1820 तक। ठीक है, ये याद रखना है। इतने ही क्वेश्चन में मेरा मुंह दर्द करने लगा, कितना इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन है ना। इन व्यू ऑफ टी एस इलियड द बार्ड्स यानी कि शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट वर एंटनी एंड क्लोपेट्रा एंड कोरियोलेनस हैमलेट मैकबेथ या किंग लियर। तो यहाँ पे पूछा गया जा रहा है कि टी एस इलियड के अनुसार बार्ड यानी कि शेक्सपियर की सबसे बड़ी दुखद उपलब्धि एंटनी और क्लोपेट्रा और कौन सा प्ले था जो शेक्सपियर का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट था, बहुत ट्रेजिक अचीवमेंट इनका था। एक तो एंटनी और क्लोपेट्रा था, एक कौन सा प्ले था इनका। सो राइट आंसर यहाँ पे कोरियोलेनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैसेज दे दिया गया है, उसी तरह पैसेज फॉर्म है, मैंने इसको स्किप नहीं किया है। तो ये पैसेज दिया गया है, इसको देख लेंगे आप लोग एक बार, इतना ही है। नीचे क्वेश्चन दिया गया है तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द पैसेज। ओके, बताना है यहाँ पे चॉइसेस ड्राइवन बाय पब्लिक ओपिनियन आर वेरी डैश इन फैमिलीज दैट आर वन द हायर डैश ऑफ द सोशल लैडर यू मे एंजॉय कुकिंग एंड इवन डैश एज अ चेफ एज अ सेफ बट इफ़ यू आर बॉर्न इन टू फैमिली वेयर प्रेस्टीज मैटर्स मोर देन एनी थिंग एल्स देयर इज डैश चांस ऑफ रियलाइजिंग या फिर आपका योर ड्रीम स्टेटस एंड प्रेस्टीज विल डैश योर इनर मोस्ट एंड फोर्स यू टू बिकम समथिंग अदर देन। यहाँ पे इसका ऑप्शन भी है, यहाँ पे देख सकते हैं डोमिनेंट रेलिवेंट प्रोमिनेंट, फिर ये ऑप्शन है साइड्स, फिर ये है बिकम। इसको स्किप कर दें क्या? ठीक है, क्योंकि टाइम लग लेगा, वैसे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वैसे इसमें दो पैसेज थे, एक पैसेज को मैंने हटा ही दिया है, एक पैसेज को ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपने। तो यहाँ पे मैं आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 12 का जो आएगा आपका, जो आपका आएगा यहाँ पे 12 का, चॉइसेस ड्राइवन बाय पब्लिक ओपिनियन आर वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। वन मिनट, यहाँ पे बता दो क्या क्या आएगा। ए हो जाएगा फैमिलीज दैट आर द ऑन द हायर, फिर आपका यहाँ पे 13 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ए, क्या है ए डोमिनेंट है, और फिर इसका क्या है डी है रंग्स है, उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा इसको 14 का। ठीक है, 14 का आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, एंड 15 का आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एंड 16 का आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, डोमिनेंट है ए हो जाएगा, 13 का डी करेक्ट हो जाएगा रंग्स, और 14 क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके, सी हो जाएगा यहाँ पे, और 15 का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी लिटिल, और 16 का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा सी ओवर कम हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे, क्योंकि उसी पे टिके रह गए तो काफ़ी समय आ जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। फिल इन द ब्लैंक द मॉडल ऑक्सिलरी दैट सूट द पर्पस। मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे फिल करना है। डैश इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, कैन मस्ट माइट या मे। ठीक है, ऑब्लिगेशन के लिए कैन मस्ट माइट या मे क्या यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा मस्ट। मस्ट ही आपका क्या रहता है ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है माय ग्रैंडफादर इज़ 85 बट ही डैश स्टिल रेड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे एबिलिटी शो हो रहा है ना कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो 85 ईयर्स ओल्ड हैं लेकिन वो अभी भी पढ़ सकते हैं और बिना ग्लासेस के वो अभी भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, यानी कि एबिलिटी शो हो रहा है। हैव टू वॉट या कैन या फिर शुड, तो अभी भी कर सकते हैं, एबिलिटी शो हो रहा है यानी कि कैपेसिटी है। कैन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन गॉल्स फॉर दिस प्ले अ लिटिल ड्रीम द माउंटेन द काउ हॉर्न स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गॉल्स वर्दी का जो प्ले है
गोल्सवर्दी का जो प्ले है अ लिटिल ड्रीम में द काउ हॉर्न नामक जो पर्वत है वो किसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पे, द माउंटेन जो है द काउ हॉर्न स्टैंड्स फॉर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, माउंटेन लाइफ की, टाउन लाइफ की, द लाइफ इन वाटर, द लाइफ इन एयर। सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, द माउंटेन लाइफ के लिए स्टैंड होता है यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन है इन गोल्सवर्दीज प्ले अ लिटिल ड्रीम द माउंटेन द वाइन हॉर्न स्टैंड फॉर्म, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, काउ हॉर्न स्टैंड होता है, याद रखना है ये काउ हॉर्न। और यहाँ पे पूछा जा रहा है वाइन हॉर्न किसके लिए स्टैंड करता है, लिटिल ड्रीम में जो माउंटेन है वाइन हॉर्न वो किसके लिए स्टैंड करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, टाउन लाइफ के लिए। ठीक है, स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट वन है इन गोल्सवर्दी प्लेज, इन गोल्सवर्दीज प्ले अ लिटिल ड्रीम द माउंटेन द ग्रेट हॉर्न, अब पूछा जा रहा द ग्रेट हॉर्न स्टैंड फॉर, द ग्रेट हॉर्न जो है वो जो पर्वत है ग्रेट हॉर्न पर्वत वो किसका प्रतीक है, किसके लिए स्टैंड होता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पूरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं पढ़ने वाली, जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द अनोएबल या फिर हारमोनी विच स्टिल्स एंड रिकनसाइल्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग प्रिंसिपल्स डार्क एंड लाइट, लाइफ एंड डेथ। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट टू प्लेयर्स टू परफॉर्म, मतलब कौन सा प्ले है जो हैमलेट प्लेयर्स को कहता है परफॉर्म करने के लिए, कौन सा वो प्ले है जिसमें वो प्लेयर चाहता है कि प्लेयर्स परफॉर्म करें, मर्डर ऑफ गुंजाइगो, ऑडिपस रेक्स, बायोल्फ या फॉस्ट, कौन सा है वो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा द मर्डर ऑफ गुंजाइगो की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन विच टाउन इज शोन इन द वर्ड्स ऑफ एल्योरमेंट ऑफ द प्ले ऑफ गोल्सवर्दीज द वाइन हॉर्न दैट ट्राइज टू एंटाइस सीलचेन। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गोल्सवर्दी के किस प्ले में शहर का आकर्षण द वाइन हॉर्न के शब्दों में दिखाया गया है जो सीलचन को लुभाने की कोशिश करता है, कौन सा प्ले है। प्ले पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ये प्ले के अंदर से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ये प्ले पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा वो प्ले है गोल्सवर्दी का कि शहर के आकर्षण द वाइन हॉर्न के शब्दों में दिखाया गया है जो सीलचन को लुभाने की कोशिश करता है, स्किन गेम, लिटिल ड्रीम, अ बिट ओ लव या अ फैमिली मैन। तो यहाँ पे आपका अ फैमिली मैन करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन है विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी प्रेजेंट्स ई बेलविट वेन अ प्रोड्यूसर हु टेक्स मच पेंस टू रिहर्स अ पीस कॉल्ड और फीज विद हिज ल्यूट एंड विच डिपिक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ प्रोफेसर एंड हिज वाइफ। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गोल्सवर्दी के किस प्ले में ई बेलविट वेन ई बेलविट वेन को प्रेजेंट किया गया है जो कि एक क्या है प्रोड्यूसर हैं, उनको प्रेजेंट किया गया है जो कि क्या है वो एक प्रोड्यूसर हैं जो ऑर्फियस विद हिज ल्यूट, ठीक है, ऑर्फियस विद हिज ल्यूट नामक एक टुकड़े का पूरा अभ्यास करने के लिए बहुत मेहनत करता है जो कि एक प्रोफेसर उसकी पत्नी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, कौन से प्ले में है, हाल मार्क्ड या फिर डिफीट द सन लॉयल्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम समझेंगे कि गोल्सवर्दी के किस प्ले में ई ब्लेविट वेन को प्रेजेंट किया गया है जो कि एक प्रोड्यूसर हैं जो ऑर्फियस विद हिज ल्यूट नामक एक टुकड़े को पूरे अभ्यास करने के लिए बहुत मेहनत करता है जो कि एक प्रोफेसर है और उसकी पत्नी के बीच को कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, तो किस प्ले में है, यहाँ पे लॉयल्टीज नहीं होगा, पंच एंड गो तो इसी प्ले की लाइन है, याद रखना है लॉयल्टीज यहाँ पे टाइपो है, ये पंच एंड गो, ठीक है, याद रखना है ये पंच एंड गो की बात कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, गोल्सवर्दी पोर्ट्रेज लॉयल एंड डिवोटेड वाइफ्स थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लेडी विलियम ड्रोमोंडी इन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोल्सवर्दी लेडी विलियम ड्रोमोंडी के कैरेक्टर के माध्यम से वफादार और समर्पित पत्निया का चित्रण किया गया है किसमें, लेडी विलियम ड्रोमोंडी के माध्यम से इन्होंने एक वफादार पत्नी के बारे में बताया है कि वफादार पत्नियां कैसी होती हैं, किस प्ले में, हॉलमार्क, डिफीट द सन, फाउंडेशंस।
सो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अगेन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, फाउंडेशन की बात हो रही है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रोट द फॉलोइंग प्रोज वर्क्स, ये प्रोज वर्क्स किसने लिखे हैं, द अपोलोजाई फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका 1793 में आया था, ऑफ द कैथोलिक रिलीफ बिल 1829 टू एड्रेसेस टू द फ्रेंच होल्डर्स ऑफ वेस्ट मोरलैंड 1818। तो ये दोनों, ये जो प्रोज वर्क है ये किसने लिखा है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ कॉलेज सदी जॉन मिल्टन, तो वर्ड्सवर्थ, ठीक है, याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द मीटिंग डैश विद द वोट ऑफ थैंक्स, तो मीटिंग जो है वो स्टॉप्ड, क्लोज, फिनिश्ड, कंक्लूडेड, ये हमने पढ़ा था ना कितनी बार ये आया क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है 28 से 31 क्या करना है, सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो और गिवन, मतलब इसको बताना है, यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन है वहाँ पे, एक मिनट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आपने आंसर देना है नो इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्रूवमेंट है तो बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट डेटेड बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, डेटिंग बैक टू होगा, डेट बैक टू या डेट बैक्स टू होगा, क्या होगा यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे लगना चाहिए डेटेड बैक टू, ठीक है, अंडरलाइन में कर दे रही हूँ, डेटेड बैक टू, तो यहाँ पे बताना है आपने ये सही है, अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर नहीं सही है तो क्या, कौन सा सही होगा, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट डेटिंग बैक टू हो जाएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ही सेड लेट द शो बिगिंस, यहाँ पे भी सही करना है, ही सेड लेट द शो बिगिंस, यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, लेट द शो बिगिंस बिगिन होगा कि बिगिन, लेट द शो बिगिन दोनों ही एक जैसे हैं, लेट द शो टू बिगिन नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे बी लगा देते हैं, बी, लेट द शो बी बिगिन, ओके, एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, बुक में भी ऐसा ही था, ये मुझसे नहीं गलती हुई है, बुक में ही था, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ए करेक्ट हो जाएगा, लेट द शो बिगिन हो जाएगा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, बूथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, तो यहाँ पे बताना है गुड एंड नो इम्प्रूवमेंट, मच बेटर या बेटर, बूथ ऑफ देम आर गुड यानी कि दोनों ही सही हैं, दोनों ही अच्छे हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, टू की बात हो रही है, और हम सभी जानते हैं कि जब टू की बात होती है तो बेस्ट नहीं आता है, बेटर आता है, बेस्ट तो सब में से किसी एक की बात होती है, तब वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री क्या है, दो लोगों के बीच की बात होती है, मतलब दो लोगों के बीच की कंपैरिजन होती है टू की, तो यहाँ पे बेटर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यस, डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, आई एम रियली सॉरी बट आई हैवन्ट गॉट मच मनी माई सेल्फ, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है आपका, 31 पे आएंगे, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है, आई एम रियली सॉरी बट आई हैवेंट गॉट मच मनी माई सेल्फ, मच मनी, मच के साथ मनी लगाया, यहाँ पे लेसर मनी है, यहाँ पे भी आपका आई नॉट हैव है, ये गलत कर दिया है, आई हैव वेरी फ्यू मनी, मनी के लिए हम वेरी फ्यू नहीं लगाते हैं ना, लिटिल उटिल होता तो लग सकता था बट नहीं है, ओके, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डी करेक्ट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ओके। नेक्स्ट वन, 32 से 35 देखना है, फोर वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है, मतलब ये आपने स्पेलिंग एरर है, बताना है कि कौन सी स्पेलिंग एरर आपकी करेक्ट है, सो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके, तो यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, अकोमोडेशन का भी इनकरेक्ट है, आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियस, इंजीनियस यहाँ पे करेक्ट है, इंजीनियस मतलब ही होता है इंजीनियस, सिंपल, इजी, ठीक है, इजी या फिर सिंपल, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है, प्लेजरिस्ट, कौन सी यहाँ पे स्पेलिंग आपकी सही है, प्लेजरिस्ट, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लेजरिस्ट,
साहित्यिक चोरी करने वाला, जो साहित्यिक चोर होता है उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। डबल सी है और डबल एम है, इतना ध्यान रखना है अकोमोडेशन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है प्यूरिटैनिकल का बताना है कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, बहुत स्लो मैं चल रही हूँ। प्यूरिटैनिकल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्यूरिटैनिकल मतलब होता है प्यूरिटन, प्यूरिटन नैतिकतावादी जिसे आप बोल सकते हैं, प्यूरिटन, ठीक है। प्यूरिटन गुडी या फिर आप बोल सकते हो मॉरलिस्टिक, ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ओके इतना स्लो चलूँगी तो हो गया। नेक्स्ट वन है 36 से 37 क्या करना है। सेंटेंस हैज़ बिन गिवन इन डायरेक्ट, इन डायरेक्ट ऑफ द मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे द प्यून सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज़ फॉरगिव मी। यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। प्यून ने ऑफिसर से कहा कि प्लीज़ फॉरगिव मी, तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। द प्यून रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम, या द प्यून सेड टू हिज ऑफिसर, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम, ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, और भी देख लेते हैं, ये नहीं करेक्ट होगा, इसको देख लेते हैं, ये भी नहीं करेक्ट होगा, ये भी नहीं करेक्ट होगा, तो ए ओवरऑल ए ही सही है। माय ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बाय मी अ नोट पैड नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे बताना है ये ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है। एक मिनट, ओके चलिए, इसमें बताना है कि ये बल्कि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है और इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है। माय ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बाई मी अ नोट पैड नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बाई मी अ नोट पैड नेक्स्ट डे, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। माय ब्रदर सेड टू मी आई शैल बाई यू अ नोट पैड टुमारो। यहाँ पे माय ब्रदर शेड टू मी आई वुड बाय यू अ नोट पैड टुमारो। यहाँ पे देखिए बुक में दिया गया है बी वाला, बट मुझे तो लग रहा है कि ए करेक्ट है। यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट स्पीच होगा, माय ब्रदर शेड टू मी आई शेल बाय यू अ नोट पैड टुमारो, उसके बाद इसको चेंज करके इस तरह बनाया जा सकता है, बट बुक में ये वाला आंसर दिया। आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करना है। रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट नाउ राइट अवे। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे करना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को करना है कि ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की कॉल को रिसीव किया और दिल्ली के लिए तुरंत निकल गया। तो क्या होगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा एज सून एज, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। एज जो ही उसने कॉल को रिसीव किया अपने दोस्त की, वो दिल्ली के लिए निकल गया, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने देखा है कई जगह ये भी आंसर आया, ऐसा नहीं है मैं इसको गलत कहूँगी कि ये भी गलत है ना, बट मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, और ये भी आंसर कई जगह मुझे मिला है, बट मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग यही आंसर पर लग रहा है। आप लोग बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, ओके। तो यहाँ पर तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इंटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स करना है। सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स करना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, ठीक है, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, आगे देखेंगे। अ मोमेंट इन अमेरिकन लिटरेरी एंड क्रिटिकल सर्कल्स, मतलब एक मोमेंट है एक अमेरिकी साहित्यिक और आलोचनात्मक सर्कल्स में एक आंदोलन है। विच फ्लारिस बिटवीन 1915 एंड 1933, जो 1915 और 1933 के बीच में फला फूला था, फ्लरिश हुआ था। द प्राइम मूवर्स वर इरविंग बैबिट, पॉल एल्मर मोर एंड नॉर्मन फॉस्टर।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसके जो प्रमुख प्रेरक हैं, सबसे पहले कौन है इसकी प्रमुख प्रेरक, इरविंग बैबिट हैं, पॉल एल्मर मोर हैं और नॉर्मन फॉस्टर थे। ठीक है, इट्स प्रोग्राम वॉज इंटेंडेड टू अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी एंड मॉरल रेक्टिट्यूड एंड एक्सटॉल द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूज़ ऑफ रीज़न एंड द विल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अमेरिकन लिटरेरी और क्रिटिकल सर्किल में एक मूवमेंट था जो 1915 और 1933 के बीच में फला फूला था। इसके जो मुख्य प्रेरक हैं वो आपके इरविंग बैबिट हो गए हैं, पॉल एल्मर मोर हो गए, नॉर्मन फॉस्टर थे। इसका जो कार्यक्रम मानवीय गरिमा और नैतिक सदाचार को बनाए रखने और तर्क की इच्छा शक्ति के उपयोग के महत्व को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। तो बताना है वो कौन सा मूवमेंट था जो 1915 और 33 के बीच में बहुत ही फ्लरिश हुआ था। ठीक है, न्यू जर्नलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म या फिर साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यू ह्यूमनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेटिव ह्यू ऑफ रिजुलेशन इज सिकल्ड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट हु अटर्स द अबव वर्ड्स इन द प्ले हैमलेट। तो हैमलेट प्ले में ये लाइनें कौन कहता है, होरेशियो, पोलोनियस, हैमलेट या नन ऑफ दिस, ये लाइनें कौन कहता है, ये जो लाइनें हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, हैमलेट में हैमलेट ही ये लाइनें कहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाई डाउडन एज अ स्मॉलर थ्रिलर फियर्स आर मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस। तो ये हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन फिर से आया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे डाउडन ने बहुत ही छोटा, तीखा, उग्र, अधिक उत्सुक, द्वेषपूर्ण टुकड़ा कहा है, रीगन को, गॉनरिल को, कॉर्डेलिया को या नन ऑफ दीस को। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, रीगन को कहा उन्होंने। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर हु अटर्स दीज वर्ड्स इन द प्ले किंग लियर। तो ये लाइनें कौन कहता है, ठीक है, यानी कि द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट, यानी कि जो खुली रात का जो अत्याचार है वो नेचर के लिए सहन करने के लिए बहुत कठिन है, ऐसा किसने कहा है, किंग लियर, केंट या फूल या फिर कोई नहीं। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, केंट ने कहा है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। ऑफ ऑल शेक्सपियर ट्रेजिडीज आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर ओथेलो इज द मोस्ट पेनफुली एक्साइटिंग एंड द मोस्ट ट्रिबल हु मेड द अबव स्टेटमेंट। ये किसका स्टेटमेंट है कि मैं कहूँगा कि शेक्सपियर के सभी ट्रेजिडियों में किंग लियर को छोड़कर ओथेलो में सबसे अधिक पीड़ादायक, रोमांचक और सबसे भयानक है ओथेलो, ऐसा किसने कहा है, वॉल्टर रेले ने, कि जॉर्ज सेंसबरी या एसी ब्रैडले। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एसी ब्रैडले ने कहा है ओथेलो को। एंड नेक्स्ट वन, ओ बी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डोथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन ओ हु अटर्स दीज वर्ड्स इन द प्ले ओथेलो। तो ये लाइनें ओथेलो में कौन कहता है, ठीक है, ओथेलो, कैशियो या यागो, कि हे मेरे स्वामी हरे आंखों वाले ईर्ष्या की, ये वो राक्षस है, इस राक्षस से सावधान रहो जो मांस का मजाक उड़ाता है जिसे वो खुद खाता है। तो ये यागो कहता है। नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। एट विच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिन मीट, किस इवेंट में ये लोग मिलते हैं, वेडिंग ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, रेसलिंग मैच, पब्लिक एग्जीक्यूशन, ट्रैवलिंग सर्कस। तो रेसलिंग मैच में। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अवर्ड अ टर्म, एक वर्ड हो या टर्म हो जिसको रशियन नॉवलिस्ट इवान तुर्गनेव इन हिज नॉवल फादर्स एंड सन्स, जो कब आया था, 1862 में आया था। तो रूसी, मतलब एक रशियन नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, इवान तुर्गनेव, उन्होंने इस वर्ड को, इस टर्म को गढ़ा है, इन्वेंट किया है, कहाँ पे, अपने नॉवल फादर्स एंड सन्स में, जो कब आया था, 1862 में आया था। दैट डिनोट्स अ रेडिकल आर एक्सट्रीम रेडिकल एटीट्यूड विच डिनाइज ऑल ट्रेडिशन वैल्यूज़ एंड नॉट फ्रीक्वेंटली मॉरल वैल्यूज़ एज वेल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रशियन नॉवलिस्ट इवान तुर्गनेव द्वारा उनके उपन्यास फादर एंड सन्स में गढ़ा गया है, इन्वेंट किया गया है उस शब्द को, जो कि एक कट्टरपंथी या अतिवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है जो सभी पारंपरिक मूल्यों को नकारता है और कभी कभी नैतिक मूल्यों को भी नकारता है, वो कौन सा वर्ड है, किस टर्म को रशियन नॉवलिस्ट इवान तुर्गनेव ने इन्वेंट किया था अपने नॉवल फादर्स एंड सन्स में। ठीक है,
सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा निहिलिज्म, ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे शून्यवाद। नेक्स्ट वन, हुम डज हर्मियाज फादर वॉन्ट हर टू मैरी इन मिडसमर नाइट ड्रीम। तो मिडसमर नाइट ड्रीम में हर्मिया के जो फादर हैं वो हर्मिया की शादी किससे कराना चाहते हैं, डिमेट्रियस, लाइसेंडर, थीसियस या फिलोस्ट्रेट, किससे कराना चाहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि वो लाइसेंडर से प्यार करती है, बट उसके फादर जो है वो शादी किससे कराना चाहते हैं ये बताना है, तो डिमेट्रियस से कराना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट वन है, हु अमंग्स द यंग एथेनियन इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में जो यंग एथेनियन में से एथेनियंस में कौन सबसे पहले वो लव पोशन से प्रभावित होता है, यानी कि जो लव पोशन है वो सबसे पहले प्रभावित कौन होता है यंग एथेनियंस में से, लाइसेंडर, हेलेना, हर्मिया या डेमेट्रियस? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, लाइसेंडर सबसे पहले इसी के आँख में पड़ता है वो लव पोशन। ठीक है, हु हैज़ कॉल्ड बेकन एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मिनिस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो बेकन को कौन कहता है वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मिनिस्ट ऑफ मैनकाइंड? जॉनसन, पॉप, ड्राइडन या नन ऑफ दीज? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एलेक्जेंडर पॉप कहते हैं। नेक्स्ट वन, एन आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अनसिविलाइज्ड मैन हु सिंबलाइजेज द इनेट गुडनेस ऑफ वन नॉट एक्सपोज टू करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक असभ्य मनुष्य की एक आदर्श अवधारणा जो सभ्यता के भ्रष्ट प्रभावों से अप्रभावित व्यक्ति की जन्मजात अच्छाई का प्रतीक है, क्या है? नोबल सेवेज है कि नॉम डिप्ल्यूम है कि कैनिबल है कि नोबल विलन है, क्या है वो? ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, नोबल सेवेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द जर्मन टर्म है दैट रिफर्स टू नॉवल डीलिंग विद द वन पर्सन्स फॉर्मेटिव ईयर्स और स्पिरिचुअल एजुकेशन, इट इज़ द जनरली रेफर्ड एज द नॉवल ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जर्मन शब्द है जो किसी व्यक्ति के शुरुआती वर्षों या आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित उपन्यास को ये क्या करता है, रेफर करता है। इसे आमतौर पर नॉवल ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है, निर्माण का उपन्यास कहा जाता है। तो वो जर्मन टर्म कौन सा है, ऑप्शन में है आपके बिल्डुंग्स रोमन या फिर एर्जीहुंग्स रोमन या फिर कुंस्टलर रोमन या फिर रोमन अ क्लिफ। ठीक है, बताना है कि एक जर्मन टर्म है, जर्मन शब्द है जो किसी व्यक्ति के प्रारंभिक वर्षों या आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित उपन्यास को संदर्भित करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्डुंग्स रोमन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु सेड, किसने कहा था मिल्टन वॉज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। किसने कहा था मिल्टन को कि एक सच्चे कवि थे बिना जाने शैतान के पार्टी के भी थे, विलियम ब्लेक, डॉक्टर जॉनसन, अर्नोल्ड या टी एस एलियट? तो ये हम सभी को पता है विलियम ब्लेक ने कहा था। एंड ओके नेक्स्ट वन पे आएंगे, 54 से 59 हम देखेंगे, फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। एरर बताना है, ठीक है, जिसमें एरर नहीं है वो नो एरर हो जाएगा, जिसमें एरर है बताना है। तो यहाँ पे बताना है, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लिस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं बी पार्ट में एरर है, क्योंकि लिस्ट जो अपने साथ है, लिस्ट जो है वो अपने साथ हमेशा शुड को ही लेता है ना, दूसरे को नहीं लेता, लिस्ट शुड। तो यहाँ पे मे नहीं होगा, शुड होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ द कुकू। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ये मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इसमें सही है, और ये भी बताएंगे किस में एरर है और कौन सा एरर है ये भी बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे, यू वर द लास्ट पर्सन टू लीव द हॉल वरंट यू। इसमें बताना है कि कौन सा एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डी, कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है। एंड नेक्स्ट वन, अच्छा यहाँ पे ये भी बताइएगा, अगर नो एरर है तो नो एरर भी आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग
2119 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो जो एमेन की कैपिटल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो सिचुएटिंग नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है, सिचुएटेड हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ गैंग मेंबर्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस सस्टेंड एन इंजरी टू द आर्म, इसमें बताना है कि कौन सा एरर है। तो यहाँ पे भी मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है, कितने लोग कहेंगे कि आप मेंबर ऑफ गैंग होगा, पर मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं लग रहा है, आप लोग बताइएगा कौन सा एरर है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ही रिपेंटेड टू हैव आइडल फॉर ईयर्स, पहले बात तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है टू हैव बीन होगा, ठीक है, ये मेरे में एरर नहीं है, ये बुक में ही था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ही रिपेंटेड टू हैव बीन आइडल फॉर ईयर्स हो जाएगा, इस तरह ये पूरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके बी पार्ट में ही एरर है, इसी में एरर है, ठीक है, क्योंकि जो रिपेंट वर्ड है ना, ये रिपेंट अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेता है, इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है, ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, ही रिपेंटेड हैविंग बीन हो जाएगा, टू हैव नहीं होगा, हैविंग बीन हो जाएगा, ठीक है, हैविंग बीन आइडल फॉर ईयर्स हो जाएगा, ओके, तो याद रखना है रिपेंट जो है टेक्स आईएनजी, यानी कि इसके बाद जो वर्ब आते हैं वो आईएनजी लेंगे, इतना याद रखना है, फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर इट, ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक मिनट, 60 से 66 तक हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, रिमेन्स डैश कैशल्स फ्रॉम अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अ सिटीज बोथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिचनेस, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर ऑल्सो एज या लाइक, ठीक है, 60 पे हम लोग आ गए हैं, तो बताना है यहाँ पे, ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स लाइक कैशल हो जाएगा, लाइक कैशल्स। नेक्स्ट वन, रमेश विल टेक डैश जॉन इन द फाइनल, रमेश विल टेक जॉन ऑन द इन द फाइनल, तो यहाँ पे ऑन होगा, अंडर होगा, या फिर अपॉन होगा, विद होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपने बताना है, क्या फिल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रमेश विल टेक अपॉन जॉन इन द फाइनल होगा या फिर ऑन होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, सी डैश एनी नॉलेज ऑफ योर अबाउट्स, तो सी डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ योर अबाउट्स, तो यहाँ पे रिजेक्ट या डिनाइज रिफ्यूजर, यहाँ पे डिनाइज हो जाएगा, ठीक है, यस डिनाइज। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डैश इज द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाई लोकल पीपल, द म्यूनसिपैलिटी सीम्स डिटरमिंड टू कलेक्ट द न्यू ट्रांजिट पैसेज टैक्स, यहाँ पे क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ या ड्यू टू, तो इंस्पाइट ऑफ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन, डैश वॉट अदर स्टूडेंट थिंक, आई डेफिनेटली बिलीव दैट सोनी इज वेरी ट्रस्ट वर्दी एंड सी नेवर लाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 का बताना है आपने, तो कॉन्ट्रेरी टू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, 65 से 66 क्या करना है हमें, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एसोसिएट, एसोसिएट यानी कि सिनोनिम बताना है, एसोसिएट मीन्स क्या होता है, कनेक्ट है, असिस्ट है, सपोर्ट है, सरप्राइज है, तो यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा, एसोसिएट मतलब संबंधित, कनेक्ट होना, क्वाम, क्वाम मीन्स क्या होता है, तो क्वाम मीन्स पछतावा, रिमोर्स जिसे आप बोल सकते हैं, पछतावा, रिमोर्स, ठीक है, मतलब मन की ताप, बहुत सारा वर्ड है, तो इसे आप बोल सकते हैं रिमोर्स, क्वाम, क्वाम, तो स्क्रपल हो जाएगा, स्क्रपल मतलब भी होता है आपका, रिमोर्स ही होता है, और इम्प्यूनिटी मीन्स क्या होता है, माफ़ी होती है, ठीक है, माफ़ी भी होता है, दंड मुक्ति भी होता है, इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रेस तो पता ही है, और प्रिजर्व तो पता ही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ अ प्ले विद इन प्ले सीन्स, तो कौन सा प्ले ऐसा है जिसके अंदर प्ले विद इन प्ले सीन होते हैं, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट या एज यू लाइक इट, सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, हैमलेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ पोएम इज मिल्टन लिसिडास, मिल्टन की लिसिडास वो किस प्रकार की पोएम है, एपिक है, लिरिक है, एलिजी है या ओड है, तो एलिजी है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे,
इन विच पोयम डज द फॉलोइंग लाइन अकर, किस पोयम की ये लाइनें हैं, अवर बर्थ इज़ अ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, किस पोयम की, किड्स की लैमिया, शैली कैलास्टर या वर्ड्सवर्थ की मोर्टैलिटी ओड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ की मोर्टैलिटी ओड। द प्ले हैमलेट बिगिंस, प्ले हैमलेट जो है वो शुरू होता है कहाँ से, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, तो एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट, मिड नाइट आधी रात से शुरू होता है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स टू होरेशियो इन हैमलेट, तो होरेशियो से ये लाइनें कौन कहता है हैमलेट में, देयर आर मोर थिंग्स इन हैवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी, तो हैमलेट ही कहता है, ठीक है। यस 71 का डी करेक्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन अ मिड्समर नाइट ड्रीम, इसमें बताना है कि मिड्समर नाइट ड्रीम का कौन सा एक कैरेक्टर नहीं है, क्वींस है, फ्लूट है, मोथ है, ऑसबॉर्न है, तो कौन सा एक कैरेक्टर नहीं है। सो राइट आंसर, लिटरेचर थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, जो राइट आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑसबॉर्न नहीं है ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 73 से 74 क्या करना है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, या इसका भी मीनिंग ही बताना है, ठीक है। यस, इसकी भी मीनिंग बताना है, ठीक है, तो इसको बताना है कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस मींस क्या होता है, एडजॉइनिंग है, सर्कमस्टेंशियल है, कैचिंग है या डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपका कंटिग्यूअस मतलब क्या होता है, मिला हुआ, मतलब समीप, पास में कोई चीज़ लगा हुआ, आप इसे बोल सकते हैं लगा हुआ। तो यहाँ पे एडजॉइनिंग करेक्ट हो जाएगा, यस एडजॉइनिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, रिस्पाइट, अगला जो वर्ड है रिस्पाइट, आपके ऑप्शन में है हाइटस, कॉन्टिन्यूएशन, एडवांस, बिगनिंग, तो यहाँ पे बताना है रिस्पाइट मीन्स क्या होता है। रिस्पाइट मीन्स होता है मोहलत देना, कहते हैं ये मोहलत दे दो, या फिर राहत देना, या फिर टाल देना, टालना भी बोलते हैं, टालना, स्थगित कर देना कोई भी चीज़ को, तो हाइटस कर देना, हाइटस मतलब भी वही होता है। एंड नेक्स्ट वन पाएंगे, द प्लेस वेयर शैटन एंड स्पीयर्स असेंबल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इज नेम्ड, वो जगह का नाम बताना है जहाँ पे शैटन और उसके जो पीयर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट में, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे पैंडेमोनियम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यस पैंडेमोनियम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अन इम्पॉर्टेंट सब टाइप ऑफ द बिल्डिंग्स रोमन इज द डैश आर्टिस्ट नॉवल विच रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ अ नॉवलिस्ट और अदर आर्टिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड इनटू द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी दैट सिग्नल्स एंड रिकग्निशन ऑफ हिज हर आर्टिस्टिक डिस्टनी एंड मास्टरी ऑफ एन आर्टिस्टिक क्राफ्ट। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका है, फिल करना है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट सब टाइप है, एक इम्पॉर्टेंट उप प्रकार है, जो एक बिल्डिंग्स रोमान, यहाँ पे बताना है कि क्या फिल करना है, जो एक उपन्यासकार या अन्य कलाकार के बचपन से ही परिपक्वता के चरण तक के विकास का रिप्रेजेंट करता है, जो हीरो की कलात्मक नियति और कलात्मक शिल्प की निपुणता को पहचान का संकेत देता है। तो बताना है यहाँ पे वो कौन सा है, बिल्डिंग्स रोमन है या फिर एडजी हुंग्स रोमन है या कुस्टलर रोमन है या रोमन क्लिफ है, ऐसे क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यस कुंस्टलर रोमन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ थीम ऑफ नेचर, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड्सवर्थ की प्रकृति की दृष्टि पर लागू होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड्सवर्थ की प्रकृति की दृष्टि पर लागू होता है, थीम ऑफ नेचर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा, मिस्टिकल पैंथीज़ में। नेक्स्ट पे आएंगे, 78 से 80 हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड चूज करना है, ठीक है, इंजीनियस का अपोजिट वर्ड हमें बताना है, इंजीनियस, तो इंजीनियस का अपोजिट वर्ड हमें बताना है क्या हो जाएगा, आर्टफुल, क्रिएटिव या फिर डिसऑनरेबल या फिर स्टूपिड। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा इंजीनियस का, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे डाइवल, तो डाइवल्स मतलब क्या होता है, प्रकट करना, रिवील कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अपोजिट हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, कॉनवर्ड्स, कॉनवर्ड्स का क्या हो जाएगा, राइट, सिनफुल या ऑस्पिशियस, मैलिफिसेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑस्पिशियस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो, तो इसमें बताना है कि कौन से ऐसे पोएट हैं जो रूसो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, टेनिशन, ब्राउनिंग,
सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हुम डिड टेनिशन सक्सीडेड एज अ पोएट लॉरियाट। तो यहाँ पे बताना है कि किसके बाद टेनिशन पोएट लॉरियाट बने थे, ठीक है, स्कॉट, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ या शैले। तो यहाँ पे आपका वर्ड्सवर्थ के बाद बने थे ना, 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है, तो 1850 में टेनिशन बन जाते हैं और 1850 से लेके 1892 तक ये रहते ही हैं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, दिस प्लेस ड्रामेटाइज एलिग्रीज ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव क्रिश्चियन लाइफ इन द फॉर्म ऑफ क्वेस्ट फॉर सेल्वेशन। तो ये जो प्ले है, इस प्ले ने मुक्ति की खोज के कथानक के रूप में एक प्रतिनिधि ईसाई जीवन के रूपकों को नाटकीय रूप दिया है, इन विच द क्रूशियल इवेंट्स आर टेम्पटेशन सीनिंग एंड द प्रोटैगनिस्ट रिपेंटेंस। इसमें क्या क्या दिखाया गया है, इसमें प्रलोभन है, पाप है और मृत्यु के साथ चरम टकराव भी है। द यूजुअल क्लाइमेक्स इज कन्फ्रंटेशन विद डेथ। और जो सामान्य जो आपका मतलब जो मतलब यूजुअल क्लाइमेक्स है वो क्या है, डेथ है, ठीक है, डेथ है। और द प्रोटैगनिस्ट अमंग द अदर कैरेक्टर्स आर पर्सोनिफिकेशंस ऑफ वर्चू वाइसेस एंड डेथ एज वेल एज एंजल्स एंड डीमंस हु कॉन्टेस्ट फॉर द प्राइज ऑफ द सोल ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो इसमें बताना है कि इन प्लेज में मुक्ति की खोज कथानक के रूप में एक प्रतिनिधि ईसाई जीवन के रूपकों को नाटकीय रूप दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्रूशियल इवेंट्स हैं, जैसे कि टेम्पटेशन है, प्रलोभन है, सीनिंग है, पाप है, प्रोटैगनिस्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, रिपेंटेंस है, पछतावा भी है, और फिर जो इसका यूजुअल क्लाइमेक्स आता है वो डेथ भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि सामान्य जो सामान्य है, प्रोटैगनिस्ट है या फिर मानव जाति, हर आदमी का एक प्रतिनिधित्व है, करता है वो अन कैरेक्टर में सद्गुणों दोषों और मृत के मानवीकरण है। तो बताना है यहाँ पे वो क्या है, इंटरल्यूड है कि मोरालिटी प्लेस की बात हो रही है, मिस्ट्री प्लेस या मिरेकल प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मोरालिटी प्लेस की ये बात हो रही है, मोरालिटी प्लेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, अपने ध्यान रखना है, टेम्पटेशन, सीनिंग, प्रोटैगनिस्ट, ये सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन द लेट 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी दिस लिटिल ड्रामाज वर परफॉर्म्ड बाय बैंड्स ऑफ प्रोफेशनल एक्टर्स। इट इज़ बिलीव दैट दे वर ऑफन पुट ऑन बिटवीन द कोर्सेस ऑफ द फीस्ट और बिटवीन द एक्ट्स ऑफ लॉन्गर प्ले। उसे क्या कहेंगे, इंटरल्यूड, मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री या मिरेकल। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ये छोटे प्रोटैगनिस्ट पेशेवर अभिनेताओं और समूहों द्वारा प्रदर्शित किए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इन्हें अक्सर किसी दावत के दौरान या किसी लंबे नाटक के दृश्यों के बीच में प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, इंटरल्यूड्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इंटरल्यूड्स ही है, क्योंकि ये बीच बीच में, जैसे आपका गर्ल्स वर्दी का ही देख लो, दो प्ले को जोड़ता है, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट फोन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ डेथ। तो लेडी मैकबेथ का सबसे अच्छा, उनकी जो डेथ का है सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है। सो राइट आंसर, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सी डाइज ऑफ स्टेज, क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार हमने कर लिया है। द टर्म मिस्ट्री प्लेज इज अप्लाइड ओनली टू ड्रामाज बेस्ड ऑन द, जो टर्म है मिस्ट्री प्लेज है वो अप्लाइड है किस पर, बेस्ड ऑन द सोशल रिफॉर्मर्स रिलीजियस स्क्रिप्चर की बाइबिल या कुरान, बाइबिल एंड रामायणा। तो ओनली बाइबिल है ना, मिस्ट्री प्लेज, यस, आपका ये बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक सी, यस सी सी। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। वॉट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन। जब डंकन को मारना रहता है तो उसमें कौन सा विजन वो देखता है, तो वो देखता है सी ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। एंड नेक्स्ट वन पाएंगे, हु अटर्स द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज यू लाइक इट लाइन, कौन कहता है, इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपीलॉग बट इज़ द नो मोर अनहैंडसम दैन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। ये लाइन एज यू लाइक इट में निम्नलिखित में शब्द किसने कहे हैं, कि जो एपीलॉग है, एपीलॉग में महिला को देखना फैशन नहीं है, लेकिन प्रोलॉग में स्वामी को देखना उससे अधिक अनाकर्षक नहीं है, ऐसा किसने कहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोजालिन कहती है, एज यू लाइक इट में एपीलॉग रोजालिन ही कहती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो गिव्स टू डेस्डिमोना इज नॉट ट्रू। तो ओथेलो द्वारा डेस्डिमोना को दिए गए रुमाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, ओथेलोज मदर गेव इट टू ओथेलो, बिल्कुल
ओथेलो की माँ ने उसे ओथेलो को दिया था, ये सही है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन सा सही नहीं है ये बताना है। इट वॉज इन्फ्यूज बाई मैजिक बाई शिबली, ठीक है, वन मिनट, शिबिल। इट वॉज गिवेन टू ओथेलोज मदर बाई ओथेलोज फादर, इट वॉज गिवेन टू ओथेलोज मदर बाई एन इजिप्शियन। तो कौन सा नहीं दी, नहीं सही है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट वन पाएंगे, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डू यू फाइंड द फॉलोइंग लाइन, किस पोएम की ये लाइनें हैं। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। एंड नेक्स्ट वन पाएंगे, हु सेड द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर एंड इट प्रोड्यूस आवर माइल्ड माइंडेड शेक्सपियर। तो किसने शेक्सपियर पे ये टिप्पणी की है, कि शेक्सपियर पे किसने ये टिप्पणी की है कि सबसे महान प्रतिभा जिसे शायद मानव प्रकृति ने अभी तक उत्पन्न नहीं किया है वो हमारा असंख्य दिमाग वाला शेक्सपियर, एसटी कॉलेज ने कहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन पाएंगे, हु कमेंटेड आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवन इन माय लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो ये किसने कहा है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में किसी पुस्तक या व्यक्ति या घटना ने मुझ पर इतना मतलब मुझ पर शेक्सपियर के नाटकों जितना गहरा प्रभाव डाला हो। तो गोथे कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन पाएंगे, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर, यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। ऐसा किसने ये लाइनें लिखी है बताना है। तो ऐसा किसने कहा है कि अंग्रेजों क्या तुम अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ोगे या अपना शेक्सपियर, कभी कोई भारतीय साम्राज्य नहीं था या कभी कोई शेक्सपियर नहीं था, ऐसा किसने लिखा है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थॉमस कार्लाइल ने। एंड नेक्स्ट वन पाएंगे, हु मेड द फॉलोइंग क्रिटिकल रिमार्क, ये किसने दिया, शेक्सपियर इज द ड्रंकन सैवेज, शेक्सपियर सिर्फ एक शराबी जंगली व्यक्ति है विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज ओनली इन लंडन एंड कैनेडा, जिसमें कुछ कल्पनाशीलता है, जिसके प्ले जो हैं केवल लंदन और कनाडा में ही पसंद किए जाते हैं, ऐसा किसने कहा है। तो वॉल्टेयर ने कहा है, एक मिनट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द टाइटल है नाइटिंगल ऑफ इंडिया वॉज गिविन टू सरोजनी नायडू बाई, तो ये जो टाइटल है सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी, टैगोर जी ने, कि अरबिंदो घोष ने, नेहरू जी ने, या फिर गांधी जी ने, इनको नाइटिंगल ऑफ इंडिया किसने, मतलब ये जो टाइटल इन्हें मिला था किसने दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं, हालांकि सब टीजीटी के बेस पे ही क्वेश्चन है, हाँ इक्का दुक्का तो क्वेश्चन रहेंगे ही। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट वन पाएंगे, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो इन्हें कब नोबेल प्राइज़ कब मिला था लिटरेचर में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 1933 में। एंड मिरेकल प्लेस हैड एज इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम द लाइफ एंड मार्टिरडम ऑफ आ, इसका बताना है, ओके, मतलब जो मिरेकल प्लेस है, ठीक है, तो मिरेकल प्लेस का अपना एक सब्जेक्ट है, फ्रॉम द लाइफ जीवन और मार्टिरडम ऑफ अ सेंट, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पाएंगे, टू कल्चर्स इज अ लिटरेरी टर्म क्वाइंड बाई, ये जो टू कल्चर्स है एक लिटरेरी टर्म है जिसको क्वाइन किसने किया था। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सी पी इस्नो। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु हैज़ क्रिटिसाइज मिल्टन्स लैंग्वेज, मिल्टन की लैंग्वेज को किसने क्रिटिसाइज किया था, लेविस ने, एलियट ने, अर्नोल्ड ने, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसने क्रिटिसाइज किया था, डाइचेस ने, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एस एलियट ने। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो आपका है हेज मनी, एक लिटरेरी टर्म है, इसको क्वाइन करने वाला कौन है, सी पी स्नो है, कि रोनाल्ड बार्थेश है, कि एलिस वॉकर है, कि एंटोनियो ग्रामस्की है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, एंटोनियो ग्रामस्की। यह हेज मनी एक लिटरेरी टर्म है, इसको इन्होंने ही क्वाइन किया था। एडमंड इन किंग लियर वॉज बास्टर्ड सन ऑफ टू, मतलब एडमंड किंग लियर में है किसका बास्टर्ड सन है, लियर किंग ऑफ फ्रांस, ड्यूक एल्बनी, या फिर अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर। नेक्स्ट पे आएंगे, इमिलिया एंड ओथेलो वर्कड एज अ मेड इन द हाउस ऑफ, तो इमिलिया ओथेलो में रहती है, जो एज अ मेड काम करती है किसके घर में, कैशियो ओथेलो, डेस्डिमोना, या ड्यूक पैलेश। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका डेस्डिमोना हो जाएगा। अब डेस्डिमोना के लिए करती है ना, हु इज़ रिगार्डेड एज अ प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसिस्ट,
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी एसिस्ट में यानी इंग्लिश एसिस्ट में किसे राजकुमार माना जाता है यानी कि प्रिंस माना जाता है, तो विलियम हैजलेट, फ्रांसिस बेकन, एजी गार्डिनर या चार्ल्स लैम, तो चार्ल्स लैम को माना जाता है। एंड नेक्स्ट वन पाएंगे, द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बेकन के अनुसार किस विषय का अध्ययन मनुष्य की बुद्धिमान मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, किस विषय का अध्ययन मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिक या पोएट्री। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा पोएट्री, बेकन का कहना है। एंड नेक्स्ट वन पाएंगे, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, तो पंक्चुएट करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी कौन सा सेंटेंस सही है पंक्चुएट का। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, द ट्विंस एक्सचेंज लुक्स एंड द टेस्ट सेट क्वाइटली इफ ओनली वी हैड नोन बिफोर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस एंड दे लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे भी पंक्चुएट ही करना है कि कौन सा आपका सही है, एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च फॉरवर्ड, इसी का करना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका, एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च फॉरवर्ड, सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, इसका भी इनडायरेक्ट फॉर्म करना है, ठीक है, 113 से 116 आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, यू मस्ट नॉट टेल एनी वन माई फादर सेड, तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो माई फादर वॉन्ट मी नॉट टू टेल एनी वन, बी करेक्ट हो जाएगा, यस बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, डोंट गो नियर द वॉटर चिल्ड्रन सी सेड, इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच करना है, मतलब उसने बच्चों से कहा कि पानी के पास मत जाओ, पानी के नज़दीक मत जाओ, उसने बच्चों से कहा, तो उसने वॉर्न किया, सी वॉर्न द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वॉटर, आई थिंक यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, अर्ज थोड़ी ना करती है, ना आस्क ना समझा रही है, वॉर्न कर रही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ही सेड प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपको सही है, बार बार कह रहा है कि अनदर चांस मुझे दो, तो यहाँ पे बुक में तो दिया है ए, बट मुझे ए थोड़ा मतलब ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ही बेग देम टू गिव हिम अनदर चांस, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। कई जगह हैं, कई जगह आपको डी भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे मुझे बी करेक्ट लग रहा है, आप लोग अब बुक में यहाँ पे ए दिया हुआ है, यस बुक में ए दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपने मुझे लगता है बी, आप लोग बताइएगा कौन सा आपको सही लग रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, लेट्स सेल द हाउस सेड रोहन, लेट्स नॉट शेड टिया, रोहन ने कहा चलो घर बेचते हैं, लेकिन टिया ने कहा नहीं, लेट्स नॉट, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दूंगी जिससे आप यहाँ पे सही देख सकते हैं। 116 का यहाँ पे रोहन ने सजेस्ट किया था कि रोहन ने प्रपोज किया था या रोहन ने टोल्ड किया था कि रोहन ने बताया था, तो रोहन ने सजेस्ट किया था ना कि चलो घर को बेचते हैं, बट टिया वॉज अगेंस्ट, लेकिन टिया क्या थी, इसके अगेंस्ट थी। नेक्स्ट वन पे फाइंड द ऑड पेयर, यानी कि ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे से, जो एक दूसरे का सिनोनिम है लेकिन कौन सा ऐसा है जो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, हॉर्ड है, एंथुजियास्टिक है, गोल है, प्रिजन है, सेशन है, एक्ट ऑफ गिविंग अप है, ऐसे है, टू टेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे मिस क्या होता है, परख, तो यहाँ पे टू टेस्ट मतलब भी होता परीक्षण करना, परख करना, ये सही है। सेशन मिस क्या होता है, रियायत, रियायत करना, सेशन आई थिंक, हाँ एक्ट ऑफ गिविंग अप, आई थिंक सेशन रियायत ही होता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, याद नहीं आ रहा है। और गोल, प्रिजन मतलब जेल, तो गोल मतलब ही प्रिजन होता है, इसका एक दूसरे का सिनोनिम ही है। यहाँ पे जो ऑड पेयर है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉर्ड मिस क्या होता है, एक झुंड, एक ग्रुप की बात होती है ना, और एंथुजियास्टिक उत्साह, दोनों ही अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका ऑड पेयर ए करेक्ट हो जाएगा। यूटिलिटेरियनिज्म का करेक्ट बताना है, यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बिलीफ दैट एंडोर्सेस अ ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, उपयोगितावाद जिसे कहा जाता है, आई थिंक इसे बोला जाता है यूटिलिटेरियनिज्म को। नेक्स्ट वन एनिमोस्टी, एनिमोस्टी मिस क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैट्रेड डाइवर्जेंट ओपिनियन या इनडिफरेंस या अपैथी, तो एनिमोस्टी ग्रीडा से ही रिलेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी से नफरत हो, एनिमोस्टी हो, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैट्रेड। एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या होता है, एफोरिज्म, एफोरिज्म मतलब एक प्रकार की कहावत ही होती है लेकिन जो सच होती है,
जैसे मैंने कहा समय समय ही धन है, अगर मैंने बोल दिया तो मतलब छोटी होती है लेकिन बहुत ही ट्रू होती है, जैसे झुटला नहीं सकते। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट फ्रेज होता है डेट से समथिंग ट्रू आर वाइज, ये मैंने पढ़ाया है फोरीज में। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, दिस शॉर्ट कमिंग ऑफ डिफेक्ट इन द ग्रीक ट्रेजिक हीरोज लीड्स हिम टू इग्नोर द वार्निंग ऑफ द गॉड्स एंड द ट्रांसग्रेस दियर लॉज एंड कमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि ये एक ग्रीक दुखद नायक की एक कमी या दोष, उसे देवताओं की चुनौतियों को नज़रअंदाज करने और उनके कानूनों और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या बोलेंगे, हमार्शिया, ह्यूब्रिस, कैथारसिस या नेमेसिस। मतलब एक ग्रीक हीरो होता है, उसकी कमी या दोष उसे कैसे, मतलब उसका कैसे डाउनफॉल होता है, उसे बार बार चेतावनी दी जाती है देवताओं के द्वारा और वो बार बार कानून और आदेशों को क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो उसे हम एक ग्रीक में बोलते हैं ह्यूब्रिस, जिससे आपका शैटन, शैटन को देख लो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसफर एपिथेट, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट नाउन टू मॉडिफाई अनदर टू विच ही डज नॉट रियली बिलोंग। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइबर मैस या हाई पैलेस, हाई विलेज या हाइपर हाइबर पैलेस, क्या बोला जाएगा, मतलब जिसे हम ट्रांसफर एपिथेट कहा जाता है और उसे हम किस, जिसे ट्रांसफर एपिथेट हम कहते हैं उसे किस नाम से हम और जानते हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एपिथेट, ट्रांसफर मतलब दूसरे पे ट्रांसफर कर देना, एपिथेट मतलब विशेषण, एडजेक्टिव क्या कर देना, दूसरे नाउन पर कर देना। From the appropriate noun to modify another, मतलब उसका जो appropriate noun है उस पर ना transfer करके दूसरे पे transfer कर देना। जैसे मैंने कह दिया weary way, weary way, अब ये भाई रास्ते थोड़ी ना थके होते हैं, वो किसान जो जा रहा है वो इंसान थका हुआ है, वो रास्ते थोड़ी ना थके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये adjective है, epithet है, वो उस पे real noun पे ना जाकर दूसरे पे transfer कर देना। Sleepless night, स्लीपलेस नाइट, तो इसी तरह आपका मतलब स्लीपलेस नाइट, अब नाइट थोड़ी ना स्लीपलेस होता है, इंसान होता है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पे है। तो यहाँ पे उसे हम और किस नाम से जानेंगे, सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हाई पैलेज के नाम से जानेंगे। ठीक है, ट्रांसफर एपिथेट को और किस नाम से जानेंगे, हाई पैलेज के नाम से। इन जनरल द टर्म डिनोट द ओमिशन ऑफ अ लेटर फ्रॉम अ वर्ड, ओवर का ओवर कर देना, इवन का इवन कर देना, हैवन का हैवन, मतलब कहने का मतलब है कि सामान्यतः ये शब्द किसी शब्द से एक अक्षर का लोप को सूचित करता है, मतलब एक अक्षर को ही हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, गायब कर दिया, उसे हम क्या, जैसे जिस तरह मैंने ओवर को कैसे लिखा ऐसे, इवन को कैसे लिख दिया ऐसे, मतलब एपोस्ट्रॉफी लगा के हम उस चीज़ को, जैसे मैंने इट लिखना है, इट इज़ लिखना है, तो इट इज़ को हम कैसे लिखेंगे, इसको लोप करके ऐसे इट्स लिख देना है, यानी कि हमने क्या कर दिया है, आई को लोप कर दिया। तो इस वर्ड को, इस टर्म को हम क्या कहेंगे बताना है, हाइपरेसिस क्या कहेंगे यहाँ पे बताना, हाइफ्रेसिस या हाइपोक्रोकोरिज्म या हाइपोक्रिमा या हाइपोस्टेटाइजेशन। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइफ्रेसिस, हाइफ्रेसिस बोलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट वन है, द इमेजरी पर्सन हु द राइटर होप्स विल अंडरस्टैंड कम्प्लीटली द एक्सपीरियंस ही इज ट्राइंग टू कन्वे एंड इज रिस्पॉन्ड टू इट एज ही विशेस। मतलब ये वह काल्पनिक व्यक्ति है जिसके बारे में लेखक को आशा है कि वह उस अनुभव को पूरी तरह से समझ लेगा जिसे वह व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है, तथा उस पर अपनी इच्छा अनुसार प्रतिक्रिया देगा, उसे हम क्या कहते हैं, आइडल पोएट, आइडल क्रिटिक, आइडल रीडर या आइडल पब्लिशर। सो राइट आंसर यहाँ पे आइडल रीडर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, लास्ट वन है, हु इन्वेंटेड द टर्म इम्प्लाइड रीडर या एक्चुअल रीडर। इस टर्म को किसने इन्वेंट किया है, इम्प्लाइड रीडर या एक्चुअल रीडर, आई ए रिचर्ड्स, विलियम एम्पसन या वोल्फगैंग इशर या फिर डब्ल्यू के विमशर्ट। तो यहाँ पे आई ए रिचर्ड्स हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 125 क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने बहुत ही थोड़ा लेंदी तो होगा भाई क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये वही बुक की है जो आपकी डिमांड थी, न्यू एडिशन वाली जो बुक थी उनकी 50, उसी बुक की ये फर्स्ट प्रैक्टिस है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपने कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।